अलग महता बेनबुवत जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अकबरी और अजीम बारगाह में अपने गुलामी का सबूत देते हैं, नजराने हकीकत पेश करें, पढ़े बाबाज बलम जितना मौलाना मोहम्मद बबारिक वसलम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मौजे हजरात अभी मुझसे शहंशाह परंदो मताह रसूल हजरत अल्लामा मौलाना शहंशाह आलम साहब के कलाम से आप महसूस हो चुके और उनकी तकरीर भी आपने समाप्त कर लिया और बेहतरीन नाटकाने भी हुई बेशक। अब उसके बाद जरूरत तो नहीं है लेकिन अहबाब का इसरार है, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। अब वो आवाज वो अंदाज वो कलाम तो बहुत मुश्किल है लेकिन चंद बातें मैं अर्ज करूंगा। बहुत मुमकिन है कि आपके दिलो दिमाग में घर कर जाए और किसी का एक जुमला भी जिंदगी संवारने के लिए काफी हो जाता है। ओके सुभान अल्लाह। मैंने आज की गुफ्तगू के लिए साहिब करीबों को मौजूद सुखद बनाया। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है के महबूब आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि जो लोग अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, वो पहले रसूलुल्लाह की इत्तेबा कर ले, अल्लाह ताला उनको अपना महबूब बना ले, बेशक अल्लाह करीब बना लेगा। शर्त यह है कि वो रसूलुल्लाह की इत्तेबा कर ले, जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उनके नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजार है, अल्लाह ताला उसको महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तोड़े तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या तेरे। जो लोग नबी कौमो वफा से मोहब्बत करने वाले हैं, जो लोग आपके नामदार के नाम पर अपनी जाने कुर्बान करने वाले हैं, वो जहाँ की जहाँ बानी के लिए मुतसक्किर ना हो बल्कि उनके लिए तो उनके हुक्म का लौह कलम मुंतजर है। बेशक okay. आप जब तक पूरी जाए तो इस पर ढेर सारे शवाहिद पेश किए जा सकते कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की इत्तेबा किया वो लौह कलम उनके इरशादात और इशारात के मुंतजर नजर आए, यहां रहकर की तकदीरें बदल दिया। बेशक तो ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे है और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में गर हो खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा और उनकी पैरवी के ताल्लुक से गुफ्तगु हो, आप इस ठंड में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर और समाप्त कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात से लेकर अब तक इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए तो दलील और शवाहिद मौजूद है कि जिन जिन लोगों ने जिस जिस माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकूश की नुकूशे पाक की पैरवी किया है वो कामयाब कामरान थे। बेशक दुनिया उनके आगे माथा टेकने पर मजबूर हो गई, शानो शौकत जाहो हर उनके दरवाजे फिर चल कर आया
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जो उस्ताद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जिनके सीने मोहब्बत रसूल का मदीना बन चुके थे, उस जमाने में तरह तरह की मुसीबतों का सामना किए, तरह तरह से सताए। एक वो इब्तिदाए इस्लाम का जमाना था जब मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। उस माहौल में भी लोग परेशानियां मुसीबतों का सामना करते, परेशानियां झेलते, लेकिन रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते रहते। इस सिलसिले में हजरत उस्मान गनी जुम्मुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िया पेश किया जा सकता है कि जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शबाब का इस्लाम हो गए तो इस्लाम के सच्चे खादिम की हैसियत से, मुबल्लिगे इस्लाम की हैसियत से आपने धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार शुरू किया, इस्लाम की तबलीग शुरू की, और आप ही के कहने से हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुशर्रफ का इस्लाम हुए। आप बनू उमय्या के फर्द थे, जैसे ही आपने कलमा पढ़ा लोगों को मालूम हुआ कि उस्मान मुसलमान हो गए हैं, आप पर तरह तरह से जुल्म जबर किया जाने लगा, बहुत लोगों ने जदोजहद किया, आपको मारा पीटा, जख्मी किया। एक मंजर वो याद आता है कि आपको हुजूर की चटाई पे लपेट दिया जाता है, इसके रसूल की आजमाइश देखिए किस तरह से की जाती है, आपको हुजूर की चटाई में लपेट दिया जाता, और उसके बाद जिस तरह आपका सर होता, नाक होती, उधर ही धुआं सुलगाया जाता और चटाई में धुआं भर दिया जाता था, और फिर से आपको कहा जाता था कि अब आप एक पादुला शरीफ की गवाही ना दो, रसूलुल्लाह का कलमा ना पढ़ो, इस्लाम से फिर जाओ। लेकिन हजरत उस्मान गनी का जवाब हमेशा यही रहता था कि ये जान जब तक बाकी है हम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते रहेंगे, पादुला शरीफ का नारा बुलंद करते रहेंगे। ये वो नशा नहीं है, इसे कुर्सी उतार दे। इस तरह परेशान किया जाता था कि आप हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर। इस तरह से देखा जाए हजरत बिलाल हबशी को तरह तरह से सताया गया, जुर्म किया था उनका, सिर्फ यही था कि एक खुदा वाहिद की वो इबादत करना चाहते थे, उसी की गवाही देते थे, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते थे। नतीजा क्या था कि आपको भी तरह तरह से सताया जाता, परेशान किया जाता, आपको बहाना पुष्प अरब की रेतारों पर घसीटा जाता, बड़ा बड़ा पत्थर आपके सीनों पर रख दिया जाता था, आपको इस तरह से धूप में हाथ पैर बांध कर डाल दिया जाता, अरब की चलचलाती और लहलाती इतनी धूप में जिससे एक मजबूरता की तरह से आप हो जाया करते थे, सूख जाया करते थे, आपकी जबान इसलिए कांटा बन जाया करती थी, लेकिन उस हालत में भी हजरत बिलाल रसूलुल्लाह के रिसालत की गवाही दे रहे थे, अल्लाह का हदायत की गवाही दे रहे थे। सिलसिले में देखिए उस शाकार मुस्तफा को, हजरत खुबाब नाम के एक सहाबी रसूल है, वो मंजर मुझे याद आता है, हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, किसी अहम बात के लिए आपने एक साथी रसूल को मस्जिद नबवी के गेट पर खड़ा कर दिया और कहा अंदर किसी को मत आने देना और जो आएगा उसे इजाजत के बगैर उसे घुसने मत देना। अब क्या था, कुछ इस्लामी मामलात पर आप गुफ्तगु कर रहे थे मस्जिद के अंदर बैठ करके, क्या देखते हैं कि अबू सुफयान आ गए हैं, उस वक्त आप ईमान ला चुके थे, आप अंदर आने की कोशिश किया, जो बंदा खड़ा हुआ था फौरन रोक दिया कि अंदर जाने का हुक्म नहीं है, यहीं पर रुक जाओ। हजरत खुबाब आते हैं, वो फौरन जाकर के इजाजत के लिए पहुंचे, इजाजत मिल जाती है, उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब आम इजाजत हुई, पहरेदार गेट से हट गए, सारे लोग मस्जिद में बैठे पहुंचे तो हजरत अबू सुफयान बहुत तेज थे, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं खानदाने कुरैश का सरदार हूँ, मुझे रोक दिया गया और ये एक मामूली बंदा है, इसे अंदर आने की इजाजत दे दी गई, आखिर मसलहत क्या है, मामला क्या है, मैं समझना चाहता
करता हूँ। कुर्बान जाओ प्यारे, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, हजरत खुदाब को आगे बुलाते हैं और कहते हैं जरा तुम अपना पैरहन हटा दो, अपनी कमीज हटा दो। जब उन्होंने अपनी जो है कमीज अपनी पुश से हटाया है तो क्या देखते हैं मौजूदीन कि आपकी कमयाब की पीठ के ऊपर कुछ सफेद सफेद निशानात बने हुए हैं, उजले उजले निशानात बने हुए हैं। हजरत उमर फारूक आजम पूछते हैं, हे साहबी रसूल, हे खुदा का बताओ कि सही ये तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी पुश्त पर ये तुम्हारी पीठ पर निशानात कैसे हैं। हजरत खुदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और करते हुए बोला, अमीरुल मोमिनीन को एक नया जमाना था, इस्लाम का भी परचम बुलंद हुआ था, बहुत कम लोग मक्का की सरजमीन पर मुसलमान हुए थे, हम उसमें कलमा पढ़ करके मुशर्रफ पर इस्लाम हो गए थे। मेरा जो आका था बड़ा सालिक था, बड़ा जाबिर था, वो अपने आप के अंगारों पर लेटा देता था और मेरी पुष्ट से चर्बी पिघल पिघल करके आपके अंगारों को बुझा दिया करती थी और वो एक नए जमाना में जो आपकी तपिश दी गई थी मुझे, मेरी पुष्ट पर वही ये दाग है, वही ये सफेदी है। पलट करके हजरत उमर फारूक के आजम हजरत उस जो है अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब मुखातब होकर कहते हैं, अबू सुफियान सुनो सुनो, तुम जो फतह मक्का के जमाने में इस्लाम लाए हो, ये हिदायत हो इस्लाम लाए थे, परेशानियों के दौर में मुसलमान हुए थे, आजमाइशों के दौर में मुसलमान हुए थे, दिक्कतों के दौर में मुसलमान हुए थे, ये उस जमाने में मुसलमान हुए थे जो मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था, सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था, हर तरह से इंसान को सताया जाता था, परेशान किया जाता था, कई कई घंटे तक धूप में खड़ा किया जाता था, पत्थरों के नीचे इंसान को दबा दिया जाता था, कई कई दिन तक पानी से लोगों को महरूम कर दिया जाता था। इतनी परेशानियों से उस वक्त इन्होंने कलमा पढ़ा था तो इनके इस्लाम में इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। जो लोग रसूलुल्लाह की मोहब्बत में दीवाने हो जाते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेते हैं, मुशर्रफ पर इस्लाम हो जाते हैं, तो वो दुनियावी अजियतों से कभी फिरा नहीं करते हैं, दुनियावी आयशो इशरत से कभी अपना ईमान बेचा नहीं करते हैं, परेशानियों के मुकाबले में सीधा सपर हो जाया करते हैं, आदमियों की इज्जत पर मोहब्बत का चढ़ाव चढ़ाया करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आज देखा यह जाता है बनाम मुसलमान होकर के भी लोग हम परिवर्तन कर लेते हैं, पलट जाया करते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें करते हैं। मैं कहता हूँ कि जिसको जहन्नम की आग में जलना था दुनिया में भी उससे कबल उसने अपनी आग का इंतजाम कर लिया है और वसीयतें कर दिया है कि सबसे पहले मुझे दुनिया में आग जलाया जाएगा, उससे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है जो दीन इस्लाम को तर्क कर दे, जो मोहब्बत अमन शांति के मजहब से रुगर्दानी कर ले, वो कैसे लोग होते हैं जो इस्लाम की आगोश से निकल जाना जो है पसंद कर लेते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया की आयशों पर लात मार दो, आयशो बहादुर पर लात मार दो, ऐसे इशरत को ठुकरा दो, इस्लाम ऐसा मजहब है जो अमन शांति का दर्श देने वाला है, सुलह मोहब्बत का सबक पढ़ाने वाला है, रिफ को नरमी का सबक देने वाला है, कलंकल को मेहरबानी सिखाने वाला है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ हमदर्दी सिखाने वाला है, गिरते को उठाने का नाम मजहब इस्लाम है, गरीबों के गरीबों का पेट भर देने का नाम मजहब इस्लाम है, एक अंधे को रोड पर सड़क पार करा देने का नाम मजहब इस्लाम है, रास्ते से अजियत वाली चीजों को दूर कर देने का नाम मजहब इस्लाम है। इस्लाम अमन का पैगाम देने वाला है, सुलह मोहब्बत का पैगाम देने वाला है, एक परचम के नीचे पूरी कायनात को इकट्ठा करने वाला इस्लाम है, जहां मसावात का दर्श दिया जाता है, भेदभाव को मिटाया जाता है, ऊंच नीच के फर्क को खत्म किया जाता है, वो मजहब इस्लाम है। वो लोग आज मजहब इस्लाम की जानिब टेढ़ी नजर करके देखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये मजहब इस्लाम ही की देन है जो आज पति की चिता पर सती नहीं दी जाती, ये मजहब इस्लाम ही की तालीम और
शरीयत है, जो आज इस्लाम, जो आज हमदर्दी का जो है उजाला नजर आता है कायनात के आलम में, मजहब इस्लाम ने कायनात को बहुत कुछ दिया है। समझने की जरूरत है, इसे पढ़ने की जरूरत है, और पैगंबर इस्लाम के पीछे आने की जरूरत है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग लंबी लंबी तकरीरें सुनते हैं, बड़े बड़े बयानात को गुजार करते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जिस तरह से वो आए थे महफिल में, बिल्कुल उसी तरह से वापस हो जाते हैं। उनके अंदर इंकलाब नहीं बरपा होता है। दोस्तों, अब इंकलाब पैदा करने की जरूरत है। मन में इंकलाब पैदा करो, दिल में इंकलाब पैदा करो, सीने के अंदर इंकलाब पैदा करो कि जो हमने जिंदगी गुजार दिया है इस हाल में, इसे छोड़ो, अब बदलने की जरूरत है। अब मजहब इस्लाम के आईने को देखने की जरूरत है, और सही सही में मोहब्बत की मोहब्बत गुलामी का कलादा अपनी गर्दन में डालने की। रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। हम और आप को फराइज और वाजिबात पर सही मानों में गामजन नहीं है, और रसूलुल्लाह के सहाबा को सुन्नतों को भी नहीं छोड़ा करते। सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, मैंने पढ़ा तो पढ़ा, मुझे ताज्जुब हुआ और बहुत रश्क हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का गुजर हुआ चंद सहाबा के साथ, अपने साथियों के साथ एक रास्ते से। काफिला सहरा से गुजर रहा था, रास्ते में एक पेड़ था और उसकी कुछ टहनियां बिल्कुल राह में लटकी हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर आगे निकल गए, उन्हें कुछ याद आया। पलट आने के बाद अब क्या देखते हैं कि फिर उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, और वो जो पेड़ की लटकी हुई टहनी, दरख्त की लटकी हुई टहनी है, अपने घोड़े के पुश से या ऊंट की पुश से, अपनी सवारी की पुश से कोशिश करते हैं कि उस टहनी में अपना अमामा उलझा दे, फंसा दे। आपकी अंदाज, कई मरतबा कोशिश करने के बाद आखिर अमामा उलझ गया, टहनी में फंस गया, और फिर आप चंद कदम आगे गए नंगे सर, फिर वहां से पलट करके आए और फिर अमामा उतारा, अपने सर पर सजाया, लगाया, आगे बढ़ गए। आपके साथियों ने पूछा, हुजूर ये तरीका क्या है, क्यों आपने अमामा उलझाया, क्यों फंसाया और फिर छुड़ाए, फिर आगे बढ़ गए, मसलियत क्या है? कहने लगे, तुम्हें नहीं मालूम, हम एक मर्तबा मदनी आंदा के साथ घर से गुजर रहे थे, रसूल कायनात के साथ गुजर रहे थे, सख नकूरता कि रसूलुल्लाह का मामा इसी दरख्त की इसी टहनी में उलझ गया था, और मेरे आका चंद कदम बगैर मामे के तशरीफ ले गए, उसके बाद फिर पलट करके आए, मामा उतारा, अपने सर पर लगाया, मेरा इधर से गुजर हुआ, तो मैंने ये सोचा कि ये सुन्नत मेरे हाथों से क्यों जाए, मैं क्यों ना इस सुन्नत पर भी अमल कर लूं और रसूलुल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे सहाबा थे, एक एक सुन्नत पर अमल करते थे, फराइज और वाजिबात तो बहुत बड़ी बात है। हम और आप हैं कि फराइज और वाजिबात को छोड़कर बैठे हैं, फराइज और वाजिबात को ध्यान नहीं देते हैं। बात हमारी समझ रहे ना आप लोग? हमारा कहने का मतलब है, जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है हम वो भी नहीं करते, तो कम जरूरी वाले क्या करें? जैसे नमाज बहुत ज्यादा जरूरी है, वालदैन की खिदमत बहुत ज्यादा जरूरी है, सच बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, गीबत से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, चुगली से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, सूद से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज आप अंदाजा लगाएं, अपने बाजू पे झांक करके देखें, इधर उधर पर नजर डालें, तो समाज में हमसे ज्यादा आप रहते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि लोग सूदी व सुधही पैसा लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग गीबत पर गीबत कर रहे हैं, चुगली पे चुगली कर रहे हैं, इनकी उनकी लगाई बुझाई कर रहे हैं, शिकायत एक दूसरे की बात जो है बातें कर रहे हैं, और उसमें हम भी चटकारे लगा लगा करके सुनते रहते हैं, शर्म नहीं आती है लोगों को? ये बहुत जरूरी काम है, हमसे बचना चाहिए, गुनाहों की कटरी सर पर बढ़ती चली जा रही है,
गुनाहों का बोझ सर पर बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इसको कम करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। ये उलमा आपको कब तक समझाते रहेंगे, जिस तरह तिजारत में आप चाक चौबंद रहते हैं, तेजों पर राह रहते हैं तिजारत में, कि हमसे अच्छा किसी का माल तैयार ना हो पावे, हमसे ज्यादा कोई बेचने ना पावे, हमसे अच्छी मार्केट किसी की ना होने पावे, कोई ग्राहक हमारा वापस ना जाना चाहिए, एक अच्छे ताजिर की यह सिफत होती है। तो जब आपके अंदर जो है ताजिरों वाली सिफत पाई जाती है, तो अपना नफा नुकसान नहीं समझ में आता है। जिसके लिए आप अपना तवज्जो करते हो, हाथ पैर मारते हो कि चंद रोजा जिंदगी है, मेरा चंद रोजा, एक पल का किसी को भरोसा नहीं है, गारंटी नहीं ले सकते हो, लेकिन जिस जिंदगी की मैं बात करता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं उस बात की कि अब अगर कोई चला जाएगा सुबह कयामत तक उसे कब्र में रोना पड़ेगा। और मालूम है बहुत लंबा जमाना, इसलिए कब्र को रोशन करने की सोचो, हश्र में सुरखरू होने के बारे में सोचो, वरना क्या होगा, दुनिया में तो आप कामयाब ताजिर बन जाएंगे, आखिरत में आपका नुकसान ही नुकसान होगा, आखिरत आपकी तारीख हो जाएगी। ये उखरवी जिंदगी के बारे में भी सोचो बहुत जरूरी है। लोग अपने आप को नमाजों का पाबंद नहीं कर पा रहे हैं, सोचने की जरूरत है इस पर भी। जिनके वालदैन महफूज हैं, जिनके वालदैन का साया सब पर मौजूद है, तमाम हम कहूं अपने वालदैन की इज्जत नहीं कर पाते। यकीन जानो मुसलमानों,